नमस्कार साथियों आज एक बड़े उद्देश्य को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं बड़ा उद्देश्य क्या है तो मैं आपको कह सकता हूं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में चयन कैसे होता है यह निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में चयन ना होने के क्या कारण है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वाई नॉट क्यों नहीं हुआ यह समझना पड़ेगा मैं क्योंकि शिक्षक हूं तो एक उदाहरण के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा तो परमाणु संरचना का एक शानदार प्रश्न है लाजवाब प्रश्न है मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रश्न और ये प्रश्न मैंने कहाँ से लिया है वो मैं बता देता हूं तो ये इसका मूल जो है एच वर्मा साहब वर्मा साहब की किताब है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स उससे लिया गया है तो उद्देश्य क्या है वो मैंने आपको बताया कि चयन क्यों नहीं होता है पर उसे समझना किससे है उसे समझना एक उदाहरण से है तो परमाणु संरचना पे एक प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर n इज इक्वल टू थ्री से निम्न ऊर्जा स्तर n इज इक्वल्स टू टू पर संक्रमित होता है ट्रांजिट करता है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में एन इज इक्वल टू थ्री उच्च ऊर्जा स्तर से एन इज इक्वल टू टू निम्न ऊर्जा स्तर पर संक्रमित करता है और संक्रमण का समय कितना है दस की घात माइनस आठ सेकंड पहले तो यह पता कर लो कि संक्रमण का समय कितना न्यून होता है एक इलेक्ट्रॉन यदि संक्रमित करता है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर तो उसे मुश्किल से दस की घात माइनस आठ सेकंड लग रहा है समझ गया आप मेरी बात को और अब आपका जो प्रश्न है वो कहता है इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल आगुण का परास या क्रम कितना होगा और चार विकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत है पहला दस की घात माइनस चौंतीस न्यूटन मीटर दूसरा दस की घात माइनस छब्बीस तीसरा दस की घात माइनस उनतीस और दस की घात माइनस आठ आगूड़ा है इसलिए हम ऐसे ही पद्धति में ऐसे न्यूटन मीटर में मापेंगे और हर जगह पे आप देख रहे हैं ये न्यूटन मीटर में है हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रश्न करते हैं आप मात्रकों पर और विमाओं पर विशेष ध्यान देंगे मात्रकों पर और विमाओं पर विशेष ध्यान देंगे अब क्या करना है तो उद्देश्य है आपका इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर एन इज इक्वल टू थ्री से निम्न स्तर संक्रमित हो रहा है और मात्र दस की घात माइनस आठ सेकंड लेता है आपको गणना किसकी करनी है आपको गणना करनी इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल आघूर्ण की और यहां से वो बड़ा उद्देश्य प्रारंभ होता है वो बच्चा मुझे सबके सामने तो नहीं कहता वो विद्यार्थी सबके समक्ष तो अपनी ये व्यथा नहीं बताता लेकिन अलग से आके कहता है बलागुण ग्यारहवीं कक्षा का है मेरी तो ग्यारहवीं कक्षा बड़ी कमजोर रह गई है और जब मेरी ग्यारहवीं कक्षा के जितने भी कंसेप्ट थे जितनी भी विषय वस्तु थी वो कमजोर रह गई तो मैंने बारहवीं कक्षा में कोचिंग का विचार त्याग दिया है ग्यारहवीं कक्षा के कमजोर होने के कारण विद्यार्थी ने जो कि प्रतिभाशाली है लेकिन क्या कर चुका है कोचिंग का विचार त्याग चुका है यह निश्चित तौर पर पाप की श्रेणी में आता है विद्यार्थियों घबराइए मत घबराने की जरूरत ही नहीं है मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं मोशन पर जो हमारे बारहवीं बोर्ड के कोर्सेस हैं जो हमारे पाठ्यक्रम हैं उनमें हम ग्यारहवीं और बारहवीं दोनों को पढ़ाते हैं बड़ी मुद्दत और शिद्दत से पढ़ाते हैं आ, आपका आपका जो उद्देश्य है उसकी पूर्णता के लिए पढ़ाते हैं हमारे जहन में आपका उद्देश्य महत्वपूर्ण है तो अब समझिए घबराइए मत क्या होगा बलागुण क्या करेगा हमारा अरे यार बलागुण क्या बिगाड़ लेगा आपका और मेरा नहीं आता है ना पढ़ लेंगे मैं अभी पढ़ा दूंगा आपको दस मिनट लगेंगे मुश्किल से तो चलिए प्रश्न पर कार्य करते हैं तो बलागुण को टॉसे प्रदर्शित करते हैं ये सब आप जानते हैं अब विद्यार्थी की परेशानी को यहां समझिए मैंने ये चित्र बनाया ये हाइड्रोजन का नाभिक है ये आप कहेंगे एन एज इक्वल्स टू वन है ये प्रथम कक्षा है समझ आ गए ये आपका एन एज इक्वल्स टू टू है ये द्वितीय कक्षा है तृतीय कक्षा और अनंत है आपके पास में और प्रश्नानुसार इलेक्ट्रॉन एन इज है और ये कक्षा चित्र है अरे बारहवीं बोर्ड की भी तो तैयारी करानी ना मुझे आपको तो एक एक शब्द लेके चलूंगा अच्छा लिखेंगे आप आपके प्रतिशत शानदार होगा नब्बे प्रतिशत से ज्यादा बस पढ़ते रहिए हमारे साथ और फिर कहता है यदि ऊर्जा स्तर बनाने तो ये ऊर्जा का स्तर है ये है, ये है है उच्च ऊर्जा पे आपको निश्चित बातें ऊपर दिखाई दे रहा है और पर इसको आना है, ये ट्रांजिशन है और इसमें समय कितना लगता है दस की घात माइनस आठ सेकंड अब जो विद्यार्थी है वो बारहवीं बोर्ड में ये कहता है सर मैं पढ़ लूंगा मुझे ये तो कर लूंगा यहां पर कितना वेग है ये मैं पता कर सकता हूं यहाँ पर इस द्वितीय कक्ष की त्रिज्या कितनी है ये मैं पता कर सकता हूँ तो ये तो सारी की सारी चीजें सामान्य हैं कक्ष की त्रिज्या कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग ये, ये साधारण चीज़ें हैं आपको असाधारण बनना है और यहाँ पूछा क्या गया है तो यहाँ असाधारण ही पूछा गया है इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत तो बल आघूर्ण ज्ञात करो तो मैं आपको याद दिलाता हूं बल की जब भी बात करते हैं आप और मैं जानबूझ के यहाँ पे सदिश स्वरूप में नहीं लिख रहा हूं तो बल है क्या न्यूटन के आप जानते हैं नियमानुसारी पी अपॉन डी टी है, है संवेग में परिवर्तन की दर है बल वस्तुता है क्या में परिवर्तन की दर है आप इसे डीपी बाई डी टी भी लिखते हैं और कई बार डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन और डेल्टा टी संवेग परिवर्तन में लगा समय तो संवेग में परिवर्तन की दर हो गया डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन और डेल्टा टी संवेक परिवर्तन में लगा समय तो बल हो गया संवेग में परिवर्तन की दर अरे इसी का भाई बंधु तो आपका क्या है बल है बल आघूर्ण में बल पहले आया ना तो आप उसे क्या करेंगे ये बलाघूण है और आप यहां कहेंगे कि ये जो रेखीय संवेग है अब चूं क्योंकि आपके पास स्थानांतरीय गति घूर्णन गति में बदल चुकी है तो आप निश्चित बात है कि विस्थापन को कोणीय विस्थापन के रूप में ले आते हैं तो कोण आ जाता है तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार ये कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर है और आप इसे कहते हैं डीएल अपॉन डी टी या डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी क्या किया गया बिगड़ा हुआ था ना सुधार दिया ना कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है और आपको यहां समय दे रखा है तो ये तो ये तो समझ आ गया कि मेरे पास डेल्टा टी है यहां मैंने लिखा बलागुण किसके तुल्य है कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर और आपने मुझे यह भी जवाब दिया कि डेल्टा टी इज इक्वल टू टी पावर माइनस एट सेकंड है तो मैं तो यह समझ चुका आपकी जिजीविशा जबरदस्त है आपकी जिजीविशा शानदार है और मैं आपको आगे लेके चल सकता हूं अब मुझे करना क्या है डेल्टा एल निकालना है अब यहां से बढ़िए ये एन इज इक्वल टू थ्री है ये आपका प्राथमिक है और ये द्वितीयक है जिसे इनिशियल और फाइनल अंग्रेजी में कहते हैं अंतिम और प्रारंभ तो यहां से प्रारंभ करके यहां गए तो आप कहेंगे यहां कोणीय संवेग अब कोणीय संवेग का सूत्र आपको पता है कि कोणीय संवेग का सूत्र एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई होता है यहां एच प्लांक स्थिरांक है हाँ सामान्य बहुत सामान्य चीज एच प्लांक स्थिरांक है टू पाई को आप समझते हैं और एन क्या है मेरे पास में तो आप कहेंगे मुख्य क्वांटम संख्या है कक्षा की संख्या है भाई जब आप यहां हैं तो एन का मान कितना है एक जब यहां पहुंचेंगे तो एन का मान कितना है दो और फिर तीन तो अब विद्यार्थी हां मैं नहीं कर रहा हूं अब काम आप कर रहे हैं आपकी ऊर्जा कर रही है आपकी जी जी विषा कर रही है तो अब मुझे कहेंगे यहां कोणीय संवेग कितना होगा तो आप जवाब देंगे एन अर्थात तीन और ह एच एन एच बात संवेग तो 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 इतना यहां कोणीय संवेग इतना तो प्यारे विद्यार्थी आप क्या कर सकते हैं आप कोणीय संवेग में परिवर्तन निकाल सकते हैं यहां से इसको मिटा देता हूं यहां कर देता हूं आपके लिए तो कोणीय संवेग में परिवर्तन निकालने की चेष्टा क्या कहती है आपको तो कहती है कि अंतिम कोणीय संवेग कितना 2 h 2 पाई और प्रारंभिक कोणीय संवेग कितना तो आप कहेंगे 3 h 2 पाई और यहां देखेंगे तो आपके पास ही आ जाएगा -h 2 पाई और मुझे इसका क्या चाहिए मान चाहिए आवश्यकता तो मान की है ना तो आपने इसका परिमाण निकाला तो परिमाण कितना आएगा आपके पास में आप कहेंगे परिमाण आएगा h अपॉन टू पाई वाह क्या बात बिल्कुल आप सब समझ गए तो अब विद्यार्थी कहता है डेल्टा एल तो कितना हो गया तो आपने कहा डेल्टा एल संवेग कोणीय संवेग में परिवर्तन h अपॉन टू पाई और इस परिवर्तन में लगा समय दस की घात माइनस आठ सेकंड ठीक है सब कुछ अब समाप्त तो समाप्ति हो गया एक तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिए एच का मान आपको ज्ञात है मालूम होना चाहिए ठीक है तो मैंने उठा के कहा कि बलागुण कितना होगा तो आप कहते हैं एच अपॉन टू पाई ये तो कोणीय संवेग में परिवर्तन था समय लगा था दस की घात माइनस आठ आप इस समय गणना करेंगे तो ये दस की घात आठ हो जाएगा और आप मुझे कहेंगे एच का मान तो छः दशमलव छः इंटू दस की घात माइनस चौंतीस जूल 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 सेकंड 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 न्यू 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 में 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 तो H में आएगा सब कुछ ऐसा ही पद्धति में फिर कह रहा हूं मात्रकों का विशेष ध्यान रखिएगा गलतियां करते हैं आप और आपको पता है कि जब भी प्रतियोगी परीक्षा जेई मेन एडवांस और नीट यूजी की बात होगी यहां गलतियां क्षमा नहीं की जाती हैं यहां गलतियों की सजा मिलती है हाँ नेगेटिव मार्किंग है तो सजा भुगतने के लिए या तो तैयार हो जाइए या आप भूलें करना गलतियां करना बंद कर दीजिए तो मैंने कहा ठीक है ये ऐसे ही पद्धति में छः दशमलव छः इंटू दस की घात माइनस चौंतीस और फिर आप कहेंगे जूल इंटू सेकंड ये दस की घात आठ है ही सही और नीचे देखेंगे तो टू बाई टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर और घबराने की जरूरत नहीं है यार गणना वर्ना कुछ है ही नहीं ये आप देखोगे तो उत्तर आपके पास चार विकल्पों पे रूप में है दो इंटू तीन ये लगभग छः के आसपास आएगा हटा दीजिए क्योंकि कोई आपको और राशि तो यहाँ दिखाई नहीं देती विकल्पों में चौंतीस और आठ तो चौदह छः बचेंगे तो आप मुझे कहेंगे कि ये मान लगभग लगभग दस की घात माइनस छब्बीस बलागुण है ना तो आप मापेंगे किसमें न्यूटन इंटू मीटर में और आप मुझे जवाब देंगे कि ये नंबर दो विकल्प ठीक है अब समझिए आपका चैन क्यों रुक रहा था क्यों क्योंकि आप ग्यारहवीं बोर्ड के कंसेप्ट खराब होने के कारण अपने आप को यह महसूस कर रहे थे कि शायद मैं ना कर पाऊं पर ऐसा होता नहीं है ऐसा होता नहीं है अरे मदद लीजिए ना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है संपूर्ण देश में फैला हुआ प्लेटफॉर्म है मोशन जहां लोग तैयार खड़े रहते हैं आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार खड़े रहते हैं तो रुकिए पूछिए आपका स्वागत है आपका अभिनंदन है हमेशा डरी मत के खराब होने से हम पूरा पढ़ाते हैं तो आपने कहा कहा बला मैंने कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर आप तैयार हो गए कोणीय संवेग में परिवर्तन मैं निकाल दूंगा और आपके पास समय है ही सही आपने सूत्र लगाया और बहुत कठिन सा दिखने वाला प्रश्न बहुत आसान सा हो गया मित्रों दोस्तों विद्यार्थियों चीजें वाकई आसान होती हैं मुश्किल नहीं होती है सिर्फ आपको कदम बढ़ाना होता है इसी तरह की नायाब चीजें नायाब प्रश्न लेकर आपके पास आता रहूंगा पर आपको याद है ना मोशन है तो भरोसा है धन्यवाद शुक्रिया